इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। दौसा में सब्जी मंडी की हड़ताल से किसानों के आया पसीना, प्रशासन और आढ़तियों की धींगा मस्ती में पिसेगा किसान, लगाया मंडी में समिति पर लापरवाही का आरोप। दौसा में थोक सब्जी मंडी को गुप्तेश्वर रोड स्थित स्टेडियम में लगाने को लेकर मच्छी राड में सब्जी पैदा करने वाले किसानों का जीवन संकट में नजर आ रहा है। प्रशासन और सब्जी मंडी थोक व्यापारियों के बीच स्थान परिवर्तन को लेकर कोई समझौता नहीं होने के कारण व्यापारी वर्ग ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी, जिसके कारण हड़ताल के दूसरे दिन भी थोक सब्जी मंडी नहीं लग पाई। दो दिन की हड़ताल में ही सब्जी की खेती करने वाले किसानों के माथे पर सब्जी आदि खराब होने के चलते चिंता होने लगी है। उनका कहना है कि दूसरे की एक बीघा जमीन का किराया सहित खाद, बीज, दवाई व अन्य खर्चों पर करीब 1,00,000 रुपए की लागत आती है। ऐसे में किसान पूर्ण रूपेण कर्जे के नीचे दबा होता है। पहले तो कोरोना अप्रशासन और आढ़तियों के बीच कोई निर्णय नहीं हो पाएगा तो उसका सीधा असर सिर्फ और सिर्फ हम किसानों पर ही होता है। विभिन्न तरह की सब्जी, खरबूजा, तरबूज आदि हम पैदा करते हैं और एकदम कच्चा होता है, जिसे ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। ऐसे में कुल मिलाकर इस सारी खींचतान का असर किसान वर्ग पर ही होने से जीवन संकट में आना तय है। किसानों का आरोप है कि आढ़तियों भी अनावश्यक खर्चे काटकर हमारा शोषण कर रहे हैं, लेकिन मंडी प्रशासन की आपसी मिलीभगत के कारण किसान वर्ग पिस्ता आ रहा है। अब इस हड़ताल से हमारी सब्जियां एक दो दिन में ही खराब होने की स्थिति में आ जाएगी तो गत वर्ष की तरह नुकसान होना तय है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि तुरंत कोई रास्ता निकाल कर किसान वर्ग की बिगड़ती स्थिति पर नियंत्रण करे। किसान कमलेश गुज्जर का कहना है कि कोरोना में वैसे ही सब्जियां कम बिकी, लेकिन अब हड़ताल से हमारी पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी और कर्जदार हमारे चक्कर काटने लगेंगे। सुमेर सिंह का कहना है कि हमने किराए की जमीन पर साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेकर जैसे तैसे करके सब्जी उगाई है, जब फसल का लाभ लेने का समय आता है तो आढ़तियों की हड़ताल से हमारी कमर ही टूट जाएगी। इधर थोक व्यापारी हरि प्रसाद मीणा का कहना है कि यहाँ भी समुचित जगह है, लेकिन फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस से हम काफी पीड़ित है, ऐसे में हड़ताल करने का निर्णय लिया है। मंडी खुलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। गांव? दुसुता। हाँ, क्या परेशानी है आप? सब कर्ज ले ले तो बाड़ी करी जाए, बाड़ी में बैठ कोरोना लाग बजे प्रशासन का ही पकड़े, न मंडी वालों का पकड़ रही हो, न व्यापारियों का पकड़े, माफ हो जाए नुकसान हो जाए। तो अब लौकी खराब हो रही, काकड़ी खराब हो रही, करेलो खराब हो रही, मतीरो खराब हो रही हो, परेशानी। क्या नाम? सुमेर सिंह। मंडी में हड़ताल करने का यही कारण है कि एक तो मंडी यार्ड को जो वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं राजेश पायलट स्टेडियम में, तो हमारे पास ना तो उसकी व्यवस्था है और ना छाया की है, ना पानी की है, ना लाइट की है। दूसरी बात, अगर किसानों या व्यापारियों का माल बच जाएगा तो उसको रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात, वहाँ न तो किसान जानता है उस जगह को, न व्यापारी जानता है, न खरीदार जानते हैं जो वहाँ शिफ्ट कर दिया हम, है ना। तीसरी बात ये, हम जो रात को आते हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे, तो पुलिस वाले परेशान करते हैं हमको, कहाँ जा रहे हो, कौन सी सब्जी मंडी, सब बंद है, भगोया से लठ मारते हैं। तो इस महामारी की वजह से हम महामारी में भी जाएं और पुलिस की लठ भी खाएं और प्रशासन का भी दबाव सुने, तो हमको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हम महामारी घर बैठे जैसे दुनिया जैसे करेगी वैसे हमारा पालन हो जाएगा बाल बच्चों का। क्या नाम? हरि प्रसाद मीणा। ये माल खेतों में पड़ा हुआ है, गई बार भी हमारे साथ में यही पोजीशन हुई, अब की बार भी यही पोजीशन हुई, यहाँ कोई सुनवाई नहीं करता हमारा। ये सब मंडियाँ बंद कर दी, सब आड़ किया मिलके, मंडी सचिव कलेक्टर साहब को बताते ही नहीं है जाके, अगर भाई ये गलत देते हैं सूचना, अब कर क्या रहे हैं, हमारे साथ में धोखा हो रहा है, अब क्या करें। दो दिन से 2,000 का माल बेचते तो 4,000 का होता, गई बार भी हमारे 4,00,000 रुपये माते पर किसान के हुआ है, और अब की बार भी पैसे मांगने वाले आते हैं खांसी थे, मंडी को बंद कर रखा है। दिन में जाते हैं गलती चोरी से किसी को ठेला वाला को आधे मोलम में दे के आते हैं, तो वहाँ पुलिस वाले नहीं जाने देते हैं, अब क्या करें। हमारा तो वो हो रहा है, दुगना नुकसान हो गया,
अब की बार भी कर्जा की जमीन में लेर कर रखे हैं। बताओ क्या करें, सचिव मंडी सचिव की गलती है सबसे ज़्यादा, तो मंडी सचिव सचमुच बात बताएं। मंडी में काफ़ी जगह है, अगर खोलना चाहे तो 10 दुकान एक साइड है, पाँच दुकान एक दिन बंद कर दो, 5 एक दिन खोल दो, ये भी कर सकते हैं ना। छः काशी लाइन बना दे तो हमारा माल बिक जाए, चाहे बिको 10 की जगह 5 लेकिन बिक जाए तो हम संतुष्ट हैं। अभी खेतों में पड़ा हुआ है, गाय खाएंगी ढोर खाएंगे, पैसे कहाँ से देंगे। क्या नाम है?